कौन सा जैकेट ब्रांड है? H&M, Zara, Marks & Spencer तो पहले से ही था, कोई एनीबडी एल्स मार्केटिंग का मैनेजर हो? एनीबडी अतुल, एनीथिंग यू लाइक टू हैव इन माइंड? मार्केटिंग में कहां जाए? मार्केटिंग तो बहुत वास्ट है. लिटरली आई एम सेइंग व्हेन आई वाज सिटिंग देयर इन 2019 मैम, मुझे पता था एचआर है. आई वाज नॉट अवेयर ऑफ मतलब टोटली कि एचआर में भी इतने कुछ है. इट इज सो वास्ट. मतलब एचआर में भी यू हैव सो मेनी सब डिपार्टमेंट. एचआर सो बेसिकली आई लुक आफ्टर टीए प्लस ऑप्स प्लस ऑनबोर्डिंग प्लस हाफ ऑफ ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग सो माइंड इज एन एचआर डीबीओ हु लुक्स आफ्टर एवरीथिंग. ये होता है. अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. ऑनबोर्डिंग का बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट है, ऑप्स का अलग डिपार्टमेंट है, रिवॉर्ड का अलग डिपार्टमेंट है, एंगेजमेंट का अलग डिपार्टमेंट है. सो इट इज वेरी पर्टिकुलर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टू अंडरस्टैंड कि जाना कहाँ है. डॉट से किसी दिमाग में मार्केटिंग है. एक चीज आपने बहुत अच्छा क्लियर कर दिया कि करना ही है, ठीक है, जाना है मार्केटिंग में. मार्केटिंग में कहाँ जाना है? फाइनेंस में कहाँ जाना है? एचआर में कहाँ जाना है? दैट यू नीड टू सर्च एंड दैट विल कम विद इन यू. आप खुद से पता करो आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है. आई वॉन्टेड टू गो इन टू एचआर, ये मुझे 12th के बाद समझ आ गया. पीपल यूज टू थिंक बिकॉज आई वॉज अ गुड स्टूडेंट इन क्लास विद मार्क्स एंड एवरीथिंग, एवरीबॉडी यूज टू थिंक मैं फाइनेंस लूंगी. आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन नंबर्स, आज भी नहीं है नंबर्स में. Although it was good subject for me, I used to score, but मुझे कभी interest ही नहीं आया उस subject. My second option was marketing research. I wanted to go into research. Research is always close to my heart. I have done almost 7 to 8 papers, research paper, which has been published in different journals. वो बहुत close है मेरे, आज भी close है. Why I went to HR? Because वो थोड़ा बहुत related है research से, keywords, search. वो है इसलिए मैं HR हूँ ना, मैं HR में ही हूँ, मैं माय जॉब इज डूइंग समथिंग एल्स. एंड ऑलवेज गेट इनटू समथिंग व्हिच यू आर इंटरेस्टेड इनटू, नॉट बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ योर पेरेंट्स, टीचर. डोंट बी, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड यू विल लीव योर जॉब विद इन अ ईयर ऑर टू. भी मैंने बहुत ज्यादा एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज गुड. व्हेन आई यूज्ड टू बी हियर पीपल यूज्ड टू से कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत खराब है. People will kill you there, this and that, nothing is going to happen. It is very good, but just you need to manage it out. आपको पता होना चाहिए कैसे मैनेज करना है, कैसे चीजों को लेके जाना. Corporate people are good. I got placed at the age of 22-23. I think that time you were very young enough to understand people and to interact with them. Then I was interacting with my CEO and the director of different companies. It is all upon you कि आप कैसे इंटरैक्ट करते हो, how you are. And never get, I always say never get into job कि बस जॉब करना है. What you wanted to do, search it. Ask ma'am, यहाँ बैठी है, I know Neha ma'am and she was there. She used to help us a lot. हर चीज की description कुछ भी चाहिए था, everything. And I know ma'am is there to help you out. आज भी मैम से पूछती हूँ. Might be I'm having experience. But I was, I called her, ma'am, do I need to give a PPT? Do I need to explain in this way? She was like, you know whatever you want. So teachers are there to help you out. Back to track. Customer education, same chase. Wahi content se aapko kya information milta hai? Kya aapko education milta hai? Might be a purchasing anything, aapko sa website dekhe sa. कहीं ना कुछ गेन करा आपने, नॉलेज गेन करा, एंड देन यू वेंट टू द वेबसाइट और यू वेंट टू द स्टोर एंड यू परचेस समथिंग. वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको बाद में आएगा आफ्टर यू आर यूजिंग दैट प्रोडक्ट एंड यू लाइक इट. यू माइट गिव अ फीडबैक, यू माइट नॉट गिव अ फीडबैक, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. एंड ऑल्सो डिपेंड्स कि आप उस पर कितना टाइम तक टिके रहे, वेदर यू वांट टू बाय अगेन और नॉट. So like one of you said ki his fab brand is Adidas or Nike. So he might be someone who might be using Adidas. I am a user of Allen Solly. Uske alawa bhi bahut acche brands hain in bags,
there are not many brands. There are not many Armani is there. There are not many brands over there. But I still remember from my college that till now I am using Allen Solly, and I don't know why I am a loyal customer of Allen Solly. I am literally a loyal customer of Allen. Abhi I have tried an accessories London ka iPad that I have tried because Allen Solly. People used to call me, you are the brand loyalty officer. I said, I'll change it out, let me try something else also. So this is all about brand loyalty. Might be you, might be also there, ki jisko wahi brand pasand hai, wahi chahiye. In youngster as you know, zara to bahut hi craze, like anything. Par uska craze kabhi ko aaj tak detail mein samajh mein nahi aaya, what is the concept of that. But there is an increase. Might be because of body type you get, might be you are not getting somewhere else, but you can use it. So it is all about brand loyalty. So these are normal words, personalization. So personalization is what we are talking about. What do you want? What do you want to see? What do you want to see visibility on any website? कंपनी आपको वो बना के देगा आज के कस्टमर के अकॉर्डिंग देगा. सपोज यू वांटेड कि हाँ मतलब किसी भी फोन में ये फीचर होना चाहिए, दे स्टडी द मार्केट, दे डू मार्केट रिसर्च एंड दे गिव यू दैट फीचर. कॉन्टेंट में भी वही रहेगा. ये हो गया आज के मार्केट. पहले तो हमें मार्केट रिसर्च होती थी, मार्केट रिसर्च या नो 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 वो कितना इफेक्टिव था फॉर दैट टाइम.
grammar, full stop na use karna, semicolon na use karna, then attractive words, wo important. So अगर John Jacobs अपना content लिखते हैं, कोई भी John Jacobs का page है, let's start का page है, कोई भी website देखना, John let's start और John Jacobs को compare करो. So let's start का premium brand है John Jacobs, which is higher in cost and everything. The two pages एक parent company, so parent let's start के अंदर you are having equivalences, John Jacobs, Google, this is the childhood brand, if you go to the store you find बच्चों का जैसा. And they're coming up with two more new brands they're coming up with very new cat off. आप दोनों के वेबसाइट को देखोगे, दोनों के इंस्टाग्राम पेजेस को देखोगे, there's a vast difference. बहुत अलग डिफरेंस है. JJ will never put कुछ भी उठाके. They write in a very proper manner, get it checked several times, it goes to the level of marketing head, it goes to the level of CEO, then it is been put into the website. क्योंकि ब्रांड बहाता है, it's a premium brand. वो कुछ भी नहीं डाल सकता है. और वो कुछ भी डालते हैं, उसका ऑडियंस ही बहाता है ना, वो कुछ नहीं डाल सकता. Their grammatical mistake, language should be very proper and exact. जैसे most of the company what it does, if you see to let's start the, और उसमें भी if it had a little more story, story के if my father was in the cyber crime only. So right now also a lot many fraud has taken place. One of my friend's account got hacked and it was all about bitcoins and this. I got a message, do you want to put some amount, you're going to earn something like 4 lakhs something. Literally usme lala jitni aayi thi na mero. But I was literally, wo dimag aur agar sab police ki baithi nahi hoti to main paisa kharcha kar chuki hoti and I would have lost my money. So there was a post, uska screenshot leke, he has earned in 2 hours it was 4,90,000. Yaar 4,90,000 ka 2 ghante mein kama raha hai to bahut badi baat hai na. Ek aapke paas to soch hogi bhi ki nahi karna hai ye cheez, but just because of that content ye dimag mein aata hai. Socho wo content kitna strong hai, how it is impacting us, kaise track kar raha hai. A lot many people have lost their money. I got a mail from my she was not my Apeksha Gupta as the CEO of John Jacobs. Got a mail from her, Isha sir, are you free? Just wanted to connect. I was like, why is, and I always check ki mail kahan se hai, because HR ko mail check karungi kahan se aaya. I said, random which I will see you, wait kyun nahi kar rahe, I'll never get into something which is, I'll not check it out. Wait, 24 hours ka tag hota hai na, I'll reply within 24 hours. That mail was a fake mail. Some other Apeksha Gupta, wo jo bhi interactive chal raha hoga peeche, that came to couple of people in HQ, so basically corporate people who we call it HQ, and the front end people just told them to store to deal with people, FOS people. And one of them lost 15,000 rupees, one of them lost 5. Very senior person in the organization. He is into tech. I'm like, yeah, kahan gayi dimag, buddhi kahan thi aapki, matlab you lost your 15,000. And one of them lost 5,000. They do tech, they do that thing every day. Because you get what you mail from Apeksha Gupta, the CEO. You do not even check the mail, you mail aaya kahan se hai. This is also there in one of the pointers. Ki email se kaise impact ho raha hai. You get lot of fraud calls from bank, loans ke liye, ye wo. Be very careful about this thing. Don't click on to any link. Don't reply to random messages. बहुत अभी ये जो मैं फ्रॉड वाला आपको बता रही हूँ 4,90,000. सो आई जस्ट इंस्टाग्राम पे मैंने टेस्ट किया, हाई हाउ आर यू, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, डिड यू अर्न, ही वाज लाइक वेरी नाइस, आई हैव सेड आई एम गुड, आई एम फाइन, हाउ आर यू डूइंग, एंड यस आई जस्ट बॉट 4,90,000, यू वांटेड टू ट्राई, आई वाज लाइक हां ऑफ कोर्स आई वांटेड टू ट्राई, बट व्हाट इज द प्रोसेस, देयर वाज सम आउटसाइडर आउटसाइड इंडिया, आई डोंट नो व्हाट वाज हर नेम, आई डोंट रिमेंबर, आई एम ब्लॉक्ड हर, फॉलो हर पेज, शी विल ब्रीफ यू. आई that point was there, my ki I fraud tha, but I wanted to understand ki hai kaise. Then main usko bhi text kara, then she was like, yes, this is the process, I'll help you in every step. Main to itna help karta tha, main manager bhi nahi hai, matlab every step kaam mujhe hi karna pad raha hai, aur ye bol rahi ki every step, nobody is having that vela time to help you out in every step, bhi paise kamane ke liye nobody is here. ऐसे सेम की आई हेल्प यू इन एवरी स्टेप, मेरा ठीक है बताओ कैसे, देन सी वाज लाइक आई एम ट्रेनिंग ऑन लीड, बस खत्म.
again the same incident on the second day, it took place with somebody else, and it's going continuously. I think aapko ye uske beech mein bhi hona, continuously it is going. Fake ID, pata nahi kya chal raha hai, but be very careful. Matlab wo jo lalach hota hai na, NPO, there is a word in this KPP, offer said you, ye lalach hai. Wo 10 ke chakkar mein na sab chala jata hai. I've seen people crying like this. Baba batate hain ki kisi ka 50 lakh 60 lakh and to recover that amount is very difficult. Kyunki unke paas cases hi utne hain, kitne ka recover kare. Do you think ek phone ko jata hoga ya ye 10,000 20,000 40,000 do this cyber crime people does anything? Nothing. Main bata rahi kuch nahi karte mere papa. Bolte mere paas itna time nahi ki main uske 20,000 ke liye piche bhagun. He will not do. Jab tak wo high end cases nahi hai, jab tak wo bahut बड़ा फ्रॉड नहीं है, बट अगर सब कभी भी ऐसा कुछ होता है, गेट इट रजिस्टर, टॉक टू साइबर क्राइम, बहुत टाइम्स देयर वाज एन एग्जांपल, माय कलीग गॉट फ्रॉड बाय 40,000, बट सी गॉट इट, क्योंकि आपके बैंक भी अपनी रिवर्स कर देते हैं, इफ प्रॉपर थिंग्स आर बीइंग डन, दे रिवर्स इट, सो बहुत कम मिलेंगे आप, बिकॉज दे आर गेटिंग गुड पैकेजेस, उसके स्किल्स और आपके स्किल्स में जमीन आसमान का अंतर. How much you learn the skill, might be there may be so much of certification courses, but it will be very difficult to work for. So I think it is very starting for you, rethink and see ki kya karna hai. But that idea bahut rare hai ki wo kaam kare. Because when you are hiring for a B.Tech, suppose I'm software engineer, whatever I'm hiring for, quality check, quality check engineers, I'll always see इसके एजुकेशन क्या है. यहाँ पे तो एजुकेशन मैटर करता ही करता है कि वो बीटेक है कहाँ से, वो मैटर करता है. एनीबडी एल्स एनी क्वेरीज इफ यू विश टू ऑल ऑफ यू तो शुड आई सम अप द सेशन. So before proposing a formal vote of thanks, I would definitely like to thank you all for being here to, and of course we all are privileged, especially you guys, as you had the opportunity to meet your alumni. And as I could see, though Brinda, aapne chutkiya suna hai, that means she possess something. Otherwise, aap aap mujhe zyada kisi ko class khane mein dete. So it's a fact. It's a fact. I'm not your problem. Right? So, I do a perception is basically now. This time the group which has come, and very impressive thing. They have a lot of patience to listen. Last third sem is also very nice. Students are always. Always. But it's always. Dips, the always. Point is ki a concentration level ka limit 30 minutes ka hota hai. उसके बाद डाइवर्जन शुरू हो जाता है. माय बैच वाज द सेम डाइवर्जन. इट्स नॉट अबाउट सेम दिस थिंग किसी के साथ भी. 30 मिनट से ज्यादा यू कांट फोकस अंटिल अनलेस यू आर एल्बर्ट आइंस्टीन. दिस इज अ प्रूवन फैक्ट. तो आफ्टर 30 मिनट्स यू हैव टू गेट इनटू समथिंग डिफरेंट, देन अगेन यू कैन कम बैक टू दैट सेम पॉइंट. आई डिड नॉट रियलाइज. सो इट वाज अ वंडरफुल सेशन एंड आई होप यू ऑल आर बेनिफिटेड. There are many more session planned, which I shared the planner with you. We have tie-ups with IBMs. Even they will be coming up to you in these SBT sessions for your training. So this is basically मैं अपना काम आसान कर रही हूँ. जब आप third semester में आएं, तो मेरी मेहनत थोड़ी कम हो जाए आपको place करने में. तो इसलिए इतनी effort डाली जा रही है. आपको thanks to your head of the department. He is always supportive in all sort of new ventures which we induce. It is very difficult. बहुत गाली आती हैं. तब हमने एक मंडे का दिन खाली करवाया. आपके एकेडमिक सेशन जब यार इंट्रोड्यूस दिस थिंग दिस ईयर दैट मंडे इज फ्री. इट्स अ कॉर्पोरेट डे फॉर एवरीए. हाँ, इट इज अ कॉर्पोरेट डे फॉर देम एंड इट्स ओनली दे विल बी गेटिंग नॉलेज ट्रेनिंग ऑल फॉर कॉर्पोरेट्स. And even if the teacher will take a session, they will be talking only about what is required for job and for entrepreneurship. So I am very much thankful to you, Shija, for coming and giving your time. I would now request Ram sir to please present a memento at the top of the campus.
I'll ask them to send. And I told them to make a LinkedIn profile, which is very important. कितने के पास LinkedIn है? Connections क्या सिर्फ LinkedIn? How many connections? 16. Make connections. Connect with people. HR से connect करो. किसी भी business head से. जहाँ से आपको लग रहा है आपको job मिल सकता है, उन लोगों से करो. And from LinkedIn you get a good job. No doubt. Naukri बहुत outdated हो गया है. I don't use Naukri. इतने का मैं Naukri use नहीं करती. बहुत outdated हो गया है. The same profile, the same thing it is Naukri. You get to put them in the website. Reference and everything. All the very best. Thank you so much. Thank you. Hope to meet you. You all. I think you have a place with. It's 12:40, right? So. So, वो मेरे लिए वो भी अलग ही
टास्क था, वो अलग जिंदगी थी, कॉलेज की अलग जिंदगी थी. राइट नाउ आल्सो आई स्टे अलोन ऑनली, सो माय पेरेंट्स आर बैक इन झारखंड. सो तो मैंने यहां पर अपना घर भी ले लिया है 4 years. सो इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू वांटेड टू डू. यू कैन डू एनीथिंग. आई नो नॉट मेनी पीपल लाइक टू कम आउटसाइड, बट मेनी पीपल आर फ्रॉम, एंड देयर वाज अ परसेप्शन व्हेन आई केम इन टू, व्हेन आई केम दिल्ली, दे टू बी रूम ना बहुत अच्छा. I said, Nahi, all of my friends are from Delhi, staying more than 8-9 years, I'm staying in Delhi. And I have lot good male friends, they are lot male. And jo sabse badmaas karta hota tha class mein, wahi mera dost hota. I don't know what funda that I have, I did not understand that. Jisse koi ladkiya baat nahi karti thi, they are my friends, he is coming to meet me, he came to look at me here, they will come to meet you. Matlab literally there was class mein, fight ho gayi thi, they were too healthy. And they were fighting in the middle. That was first year I'm talking about. They were fighting. पूरी चेयर्स पीछे, पूरी ब्लैक मतलब सोचो लड़कियां हट के हट गो. ऑब्वियस सी बात है, उतना बड़ा इंसान अब उसपे गिर भी गया तो क्या होना है. पूरी टीचर आई थिंक वो उनको मैस्टिक सर थे, वो ओल्ड ही ना पता नहीं मेरे को. उसने कस्टमर को समझा है कि आपके कस्टमर्स कैसे, एंड लॉजिक आपको पता है
कि एचएनएम ज़ारा एक्स्ट्रा स्मॉल एक्सएक्स में क्यों बनाते हैं, इवन एक्स्ट्रा स्मॉल से भी नीचे साइज आता है, बिकॉज़ द पीपल आउटसाइड इंडियन तो ब्रांड नहीं है ना, देयर आउटसाइड ब्रांड्स वहां के लोग पत्ते हैं लेफ्ट इन इसलिए वो साइज
I went to both of the students, Lajpat Nagar, Invent. Invent was giving me the right content. जो मैंने देखा था वही content उन्होंने दिया कि हाँ शजा this will be only the thing. वही चीज मैं Ambience में sorry Cyber City गई and Ambience में एक और है Apple Talks करके कुछ है. They gave me a different concept only. तो मैंने I saw this screenshot. This is the content that you've written ना. यही तो था. They don't have any नथिंग. वो तो मैं ऐसे ही होती हूँ. And what इसके लिए कोई कंप्लेंट क्या है? You can do a complaint. Nothing is there. इसका हर चीज का एक प्रोसेस है कंप्लेंट करने का. Talk to their store manager. Talk to their area manager. ये पब्लिश क्यों हुआ है? Then that will go into CRM. CRM कहाँ से कंटेंट आया है? So basically it was been approved by their marketing head from content writing तभी आया है. तो सोचो कितना चीजें चल रही है because of that. मतलब जिसको पता भी है चीजें कि कंटेंट कैसे ऑब्वियसली बात है वो कंटेंट देख के तो मैं गई तो वरना क्यों ही जाती वैसे स्टोर पे. कितना अट्रैक्टिव होता है कंटेंट कोई भी चीज का ऑफर्स का इसी से तो हम अट्रैक्ट होते हैं ना इसी में फ्रॉड भी फिर वी गेट इनटू फ्रॉड्स बिकॉज ऑफ दिस कंटेंट ऑल गेम इज ऑफ कंटेंट. इसलिए कंटेंट राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट नाउडेज. पहले कहाँ कॉन्टेंट था विल नेवर फाइंड कॉन्टेंट और समथिंग ओल्ड एजेस एंड नॉर्मल एडवर्टीजमेंट्स एंड उससे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंटेंट और न्यूज पेपर का जो कॉन्टेंट आया बट इट वॉज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेंट मोर इथिकल था इट वॉज मोर इन अ प्रॉपर मैनर. अब इट इज अ मिक्स टाइप ऑफ कॉन्टेंट दैट यू फाइंड इथिकल्स आर गोइंग ऑन नॉन एथिकल भी चल रहा है सो इट इज वेरी मिक्स डू नीड टू डिफरेंशिएट कौन सा कॉन्टेंट राइट है कौन सा कॉन्टेंट. कन्वर्जन जो बार बार बोल रहे थे बिजनेस पैसा पैसा एट द एंड ऑफ द डे कन्वर्जन करना है. सो ये अ वेरी स्मॉल एग्जांपल इफ यू नो पीपल हु आर टू सी आर कस्टमर कॉलिंग ये दे टॉक टू 100 पीपल 50 पीपल डिपेंडिंग अपॉन कंपनी एंड ब्रांड उसमें से कुछ तो लीड जनरेट होता है उसमें से कन्वर्ट कितना होता है एक दो तीन चार जो भी वो कन्वर्जन. इस एडवर्टीजमेंट को सपोज किसी ब्रांड का एडवर्टीजमेंट चल रहा कॉन्टेंट चल रहा उससे कितने लोगों ने वो चीज़ परचेस करा उस बेसिकली जॉन जेकब्स ने अभी वो करा था कॉन्सर्ट करा था रिकॉल्ड अर्जित सिंह जेरल स्टेडियम में अर्जित सिंह को बुलाया था. सो दे हैव दिस छोटा पैम्पलेट्स एंड एवरीथिंग ऑन देयर इंस्टाग्राम इन द स्टोर्स. उसके बाद मार्केटिंग टीम ये एनालाइज करेगी जो मैंने एडजस्टेंट को बुलाया और मैंने उसको लाखों रुपए दिए हैं उससे मेरा कन्वर्जन कितना हो कितने लोगों ने मेरा चश्मा खरीदा कितने लोगों ने स्पेस परचेस किया उस ऑफर को कितने लोगों ने अप्लाई किया. ये डिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएट्स इन क्राउडेड मार्केट क्राउडेड मार्केट आपका कॉन्टेंट दूसरे के कॉन्टेंट से कितना अच्छा है क्या अलग है. आपने नॉर्मल एग्जाम्पल है ना एग्जाम में पेपर्स लिखते हो ना एक ही टीचर के पास करेक्शन के लिए जाता है समबडी गेट 15 में 14 13 ठीक है किसी को उसी में 5 या 6 आया क्यों. कॉन्टेंट लिखा गया है वो घुमा घुमा के क्वेश्चन भी लिखा है या कुछ और भी लिखा है. आई डोंट पीपल राइट दैट क्वेश्चन ओनली 4 और 5 बार वो भी चलता है नहीं कुछ आ रहा है कहीं से पूछ नहीं पाए चीटिंग नहीं कर पाए तो वही काट कर देते. कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट कि आपका कंटेंट दूसरे से कैसे अलग है आपने क्या लिखा है डिड यू पुट एग्जांपल्स द फिगर्स या कैसे कुछ भी वो छोड़ पर अगर गया आप देखिए कि पता नहीं ज़्यादा पेज पर जाएगा मुझे एक अंदर स्ट्रीट बॉक्स द वे यू आर प्रेजेंटिंग द वे यू आर राइटिंग दैट इज गोइंग टू सबसे अच्छा एग्जांपल कंटेंट का मेरे को ना Zomato स्विगी का यू चेक मतलब अभी भी फोन पे आपके पॉपअप हो रहा होगा कुछ भी फेस्टिवल सीजन होता है कुछ भी आता है दे हैव अ डिफरेंट कांसेप्ट ओनली मतलब कुछ ऑड वन आउट मतलब कहीं भी तो हंसी आ जाएगी आपके लिए मींस हैव सर्वर से ज्यादा मतलब कोई इंसान डाइटिंग कर रहा है ना उसकी भी डाइटिंग ऐसी तैसी हो जाती है. दे आई हैव कुछ स्लाइड्स में लिखा हुआ भी है देयर इज इंफरेंस नीचे तो देखो करो बीर गोलगप्पा पानी पूरी और पुष्कर एनी जॉब टाइटल इज फाइन एज लॉन्ग एज जॉब डिस्क्रिप्शन इज द वन दैट मेक्स यू हैप्पी.
in different languages roll up is called Pani Puri or something. Oh, this is if you see, there is two things that you will get here, knowledgeable. You love what you wanted to do. Pehla to aapko ye mil raha hai and food ka to aapko mil hi raha hai. Ki whatever you wanted to do, jab tak aapka job description aapke kaam se match kare, it's fine whatever your job title might be an HR associate, the HR consultant bol lo usko, ya you call it an HR human resource. Jab tak aapka kaam wo matter kar raha hai, understanding designation doesn't matter, designation matter over a period of time, that's very important. But initially, ek do saal ka designation ko padhna hai. For you people also, एक दो साल का या मैं मैम इज ब्रिंगिंग सम कंपनी डेजिग्नेशन में भाग के मैं जाना रे बाबा ये तो मैनेजर है तो मेरे को तो यही जॉब चाहिए. इफ यू गेट अ लोअर पोस्ट आल्सो इफ यू गेटिंग अ गुड जॉब क्लियरिंग इट आउट गो इंटरनली आप ग्रो कर सकते हो. इंटरनली ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. विद इन सिक्स मंथ यू कैन ग्रो विद इन एन ईयर. यही फंडा होता है ना मैम अगर कंपनी लेके आएगी. आई हैव सीन पीपल रनिंग इनटू द टाइटल्स जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब प्रोफाइल कुछ और ही होगा बिकॉज़ वो दोस्तों को दिखाना है ना आई एम द मैनेजर सीआरएम मैनेजर और सीआरएम मैनेजर का काम ही कुछ और एंड माइट बी यू आर एन एसोसिएट और कंसल्टेंट वो आपकी जॉब अच्छी होगी. सो ऑलवेज गो इनटू द डिस्क्रिप्शन कि एग्जैक्टली काम क्या है करना क्या है. दैट इंपॉर्टेंट नॉट इन द फैंसी टाइटल्स. तो मोस्ट ऑफ द कंपनी कंपनीज नाउ हैव दिस फैंसी टाइटल्स एंड And people get into that trap. Kia, they when came into India, they analyzed the market. जब इनकी hiring चल रही थी, so mostly in India they call it fashion consultant. जैसे मैंने बोला, Reliance brand is fashion consultant होते हैं. Lenskart, Vision Express, ये सारे इसको sales associate बोलते हैं, sales executive. They gave it a name Docent. I was hiring for them then. I was like, Docent kya hai abhi? Matlab naya hai kuch aake nikal ke. Literally I have to do. So basically when you work for a consultancy na, you gain a lot of knowledge. Because aap koi bhi profile pe kaam kar rahe ho, kuch bhi kar rahe ho, pehle aapko research karna padta hai ki aapka client kaun hai. Agar maine suppose Kia ke liye hire kiya, Kia kab aaya, kya karta hai wo, kaun founder hai, yahan pe HR kaun hai, प्रोसेस क्या है वो चीज़ें आपको सीखने मिली. लिटरली हर प्रोफाइल मिलने के बाद ना हम रीड करते थे चीज़ें प्रिपेयर करते थे बिकॉज आई नीड टू इंटरैक्ट विद माई क्लाइंट ऑल्सो कि वॉट दे वॉन्टेड एंड विद माई कैंडिडेट ऑल्सो कि प्रोफाइल क्या है. कॉन्टेंट मैं अभी भी मैं कॉन्टेंट बनाती हूँ. डिस्क्रिप्शन इज ऑल अबाउट कॉन्टेंट ना. अगर मेरे को कोई प्रोफाइल है इफ आई एम हायरिंग राइट नाउ आई एम हायरिंग फॉर अ विजुअल मर्चेंडाइजर. कितने लाइन पे रखना वो सारा काम होगा. इंडिया में बनता है वो डिजाइनिंग सो दे हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर फॉटोशॉप वो सारे इसके 3D वो सारी चीजों पे बनता है. बहुत टाइम जैसे बाहर की जैसे H&M ज़ारा यूनिक्लो है ये आपका मॉडल डिजाइनिंग बाहर से बना के आती है उनके हेड क्वार्टर में बनता है वो सिर्फ यहाँ के VM एग्जीक्यूट करते हैं. तो व्हेन आई एम आल्सो वर्किंग ऑन समथिंग से VM की प्रोफाइल पे काम कर रही हूँ पहले मैं निकालूंगी कि VM अगर मैंने पहले काम किया है जस्ट गिव एन एग्जाम्पल कि मैंने पहले कभी काम नहीं किया है पहले मैं उसको निकालूंगी VM है क्या उसकी डिस्क्रिप्शन क्योंकि मुझे ये ऐसा बनना चाहिए ये डिजाइनिंग करना चाहिए इसको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए कौन सा सॉफ्टवेयर आना चाहिए कोई मुझे बिजनेस स्कूल से चाहिए तो पर्टिकुलरली निफ्ट से चाहिए या नॉर्मल बिजनेस स्कूल से चल जाएगा वो लिखूंगी मैं. उसका पोर्टफोलियो में क्या चाहिए मुझे वो देखना पड़ेगा मुझे कि पोर्टफोलियो एग्जैक्टली होना क्या चाहिए.
तो दिस इज माय कंटेंट, आई मेक अ जॉब डिस्क्रिप्शन, देन आई विल सेंड इट टू माय कैंडिडेट जब मैं बात कर रही हूँ. मैंने कंटेंट बनाया, उसी कंटेंट की बेसिस पे तो मैं करूँगी ना, ऐसे लेम लैंग्वेज में तो थोड़ी ना बोलूँगी मुझे ये चाहिए. आई सेंड अ जॉब डिस्क्रिप्शन. वैसे अब जॉब डिस्क्रिप्शन का भी पढ़ना खत्म हो गया. वेरी सिंपल नॉलेज, वेरी सिंपल चीज है. दे आर टू कैंडिडेट्स, ठीक है, इफ दे गेट इन टू. अब हम बहुत सीनियर कैंडिडेट, सपोज मार्केटिंग हेड है, हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 10-15 इयर्स, यू वांटेड टू हैव अ जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको पता नहीं क्या काम करना है. एंड व्हाई यू वांटेड टू हैव अ जॉब डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपको बस इतना लिमिटेड ही काम है. मार्केटिंग हेड है तो यू पे हैंडलिंग अ टीम ऑफ 20-25 पीपल, उसका तो बहुत ही वास्ट हो गया ना, सोशल मीडिया के इंसान उनके जो है मैनेजर उसके साथ है, कंटेंट राइटर भी उसको रिपोर्ट करेगा, वीएम उसको रिपोर्ट करेगा, सीआरएम उसको रिपोर्ट करेगा, सब तो एक ही पैर, ब्रांड एंड मार्केटिंग उसको रिपोर्ट करेगा. व्हेन यू एंटर इनटू द ई कॉमर्स देन यू आर कमिंग आउट, उसके बाद खेलेंगे, यू स्टार्ट गेटिंग द ईमेल्स, मैसेजेस, एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर देयर. हियर्स व्हाट on your wish list, grab it, have अलग अलग ही वो content income. Amul, why I put here Amul, a very old brand, मैं कुछ भी डाल सकती थी किसी का, इसका followers ना हो. So now the old age brands are also on your different platforms like Instagram. उनको पता है पहले old technical strategy से नहीं चल सकता. They wanted to do in the same manner कि एक shop से बस खरीद लो और चल जाएगा. Sorry, your target audience are not the same. They are more educated, they want to compare, they have thousands of options to compare. So these people are also coming up with a new strategy and techniques. This is why Nokia did not work out in India. क्योंकि वो strategies के साथ चीजों के साथ change ही नहीं होता है. The change हो रहा है. वो हो जाता है जब तक वो ब्रांड.
brand find logos, usme you find WWW pictures. And that also create a confusion ki aapko lena kuch isko pata nahi hai, wo le kuch aur leta hai. That create a confusion. So that should be different, the brand, logos, the brand, taglines should always be different. And it is different. SEO principle. Such SEO principle is not important, SEO. SEO leads to your keywords. Somebody wanted to go into SEO. Anybody who wants to go into marketing, I'm not going to market into SEO. Mein jana chahta hai. So always do an internship in an SEO mein. SEO mein internship karne ke baad, so you do an internship for 2-3 months. Learn there. Ki optimization kya hota hai, search engine kya hota hai. So search engine ka kaam hi yehi hai. Keywords catch karna. Keywords catch karna. Brand. Content, writing, these are the keywords. कभी भी डाल के बस देख लेना कुछ भी content, brand, कुछ ना कुछ आ जाएगा. So this leads to increasing your traffic. Keywords से आपका traffic increase होता है. So SEO plays a very important role. बिना SEO के traffic increase नहीं हो सकता. एक कंपनी से फाइंड कर मुश्किल हो कैसे करते हैं जो सिर्फ कीवर्ड्स पे काम करते हैं उसके सामने जैसे कि जो अब फ्रंट पेज ऑफ वेबसाइट पे देख रहे हो ना उसके पीछे क्या चल रहा है वो आपका कीवर्ड्स वो जो टेक्निक चल रहा है वो जो सिस्टम चल रहा है दैट इज ऑल द गेम ऑफ कीवर्ड्स एसईओ इज आल्सो गुड फॉर इट्स अ कस्टमर एक्सपीरियंस एग्जांपल्स दैट आई हैव or travel industry, food industry, commerce and packages. You will always see in Uber and Ola ka alagi strategies chal raha hota hai. Ek ne message kiya, dusra bhi karega. With a different value, with a different offers, alagi kuch chal raha hota hai. Same is very as Zomato ka waise chal raha hota hai. E-commerce also you find same. Jaise right now I can see in between Flipkart Amazon. Unka thoda ka alagi budget hai, uska alagi cost hai. बैंकिंग सेक्टर अगेन आई नो ये थोड़ा डिफरेंट सेक्टर है बैंकिंग बट यू फाइंड अ वेरी जस्ट वन मिनट वेट इट विल कम बैक ओके वेट इट्स दिस विल पुट द अदर्स सो क्रेडिट कार्ड एवरीज माइट बी यू नॉट रजिस्टर्ड योरसेल्फ इन एनी ऑफ द बैंक एंड कहीं पे भी नंबर नहीं दिया आई डोंट नो हाउ दिस दे कैप्चर इट आउट बट यू विल फाइंड ये कहीं एक बार कहीं पे दिया हुआ यू विल गेट कॉल्स फ्रॉम ऑल द डिफरेंट लोन्स फलाना ढंका हर जगह से आपको बहुत सारे स्टार्ट हो जाएंगे अबाउट टेकिंग लोन्स क्रेडिट कार्ड यू वांट टू टेक एवरी और एनीथिंग एंड दे हैव एन आई ऑन योर सैलरी एज वेल कि उनको पता होता है या आई डोंट नो व्हाट सिस्टमैटिक दे आर रनिंग इट आउट कि कब इसकी सैलरी इंक्रीज हुई और कब इसको क्रेडिट कार्ड देना है आई वॉज लाइक जब मेरी सैलरी कम थी तब तो मुझे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देना था एंड दैट टाइम आई वांटेड नाउ आई डोंट वांट टू एवरीबॉडी इज गिविंग मी विद डिफरेंट ऑफर्स एंड द बेस्ट ऑफर्स कंटेंट दे विल कितना स्ट्रांग है यू विल गेट इनटू ट्रैप कि एचडीएफसी में इतने डिस्काउंट चल रहे हैं आईसीआईसी में इतने डिस्काउंट चल रहे हैं यू गेट इनटू ट्रैप एंड गो इनटू बाइंग एन टेकिंग एन This is all about company. Yeah, important. Anything, everywhere it is used content. Everywhere in anything. Normal SEO, so when you go out of the class also, you know, going back home and normally, there will be something about, you can relate everything to your content. There will be something about, everything is all about content. कि कैसा कंटेंट होगा तो यू गेट अट्रैक्टेड सी वो कंटेंट फॉर एग्जांपल एमबीए चाय वाला क्या है एमबीए चाय वाला मतलब कोई सोच सकता था ऐसा कोई नाम रखेगा अपने ब्रांड का एमबीए चाय वाला हाँ कंटेंट एंड पीपल आर अट्रैक्टेड एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन द मार्केट एमबीए चाय वाला इज वेरी पॉपुलर फॉर एग्जांपल पहले के लिए तो ये सारे टॉपिक ये
वर्ड से बहुत ही अजीब था, पेरेंट्स को डिस्कस करके ये क्या चल रहा है, ये कौन जाना है, किसको जाना है, दे वुड नेवर अलाउ यू टू, बट आप हमें वहीं जाना है. तो क्या दिमाग लगा के रखा था एमबीए चाइल्ड, एक लाइन का कंटेंट इतना काम आया, इट इज एक्सेलिंग इन बिजनेस एंड हैविंग लॉट ऑफ ऑपर्चुनिटीज. If I see Chayos, Chai Point, its content is very different. A very unique one. मतलब face wash and something something more different. Particular day only they have made a lot of profit. 198 subjects. So today is not a matter day. And their cost, real cost of that product was 1,000. Pretty much not a big deal. Content. The way they represented. अब मैं उस वेबसाइट के पेज पे जा भी चुकी थी आफ्टर स्कैनिंग, तो इट वाज लाइक आई नॉट गो बैक. बहुत रेयर व्हेन यू आर लाइक कि बहुत ज्यादा कॉस्टली चीजें हैं, देन यू गो बैक, अदरवाइज यू बाय. उस दिन की ट्रैफिक उसकी इतनी इंक्रीज हुई थी, दिस वाज फॉर एग्जांपल ऑफ मॉनसून मॉनसून. आई थिंक सी अपर्चर ओवर सिक्स मंथ्स, सी अपर्चर. तो देन आई हैव एन ब्रेक. Is it a good quality? Yeah, average.
same as with your railway website, but if I compare to Tindra, railway website, and then your Royal Inbuilt, a vast difference. Tindra will have a high quality, this will have average, and railway wala to this will be working. Both of them will be finished, but you need to give to the broker and then you need to do something like this. तो इससे पता चलता है कि जो बैकएंड पे काम चल रहा है, जो आपके कंटेंट राइटर है, जो टेक के पर्सन है, उन्होंने कितना अपने वेबसाइट पे टेक पीपल आर रिस्पांसिबल फॉर योर वेबसाइट एंड एवरीथिंग, तो कितना काम हुआ है, कितनी चीजें डेटा डाली, सो यू चेक न्यू ब्रांड्स के कॉन्सेप्ट, न्यू ब्रांड्स के वेबसाइट, सारा H&M, यूनिक्रो, रिलायंस ब्रांड, ट्रांसपेरेंट कोई भी ब्रांड उठा लो, H&M, सॉरी अरमानी, सत्यपाल, सुपरटर, कोई भी आप उसके उठाओ, दे विल हैव समथिंग फॉर द न्यू एवरीडे और विद इन अ वीक, एवरीडे और विद इन अ वीक, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर चलेगा, जैसे जैसे चीजें चलेगी, वो कुछ ना कुछ नया करते रहे, नाउ वेरी लेटेस्ट न्यूज ऑफ सुपर ड्राई, सुपर ड्राई इज वन ऑफ द ब्रांड इन द रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड व्हिच इज ओन्ड बाय दर्शन मेहता, दर्शन मेहता इज द सीईओ ऑफ रिलायंस ब्रांड्स and then Ambani Swarup Consultant, who is the director of the CEO in India who had the discussion happen. Abhi unhone super drive ko India ko super drive Reliance ke saath hi tha. Bahar ka super drive Reliance ke saath nahi tha. Outside India. Abhi unhone liya hai. And LinkedIn pe unhone post dala tha ki kis kis parameters pe liya hai. They are very small and nice content. Tabhi Reliance brands ka bhi page check karna. LinkedIn pe link pe. You will find a very nice दूसरे हम चाहते तो भी फॉलो कर सकते जो मैं कर रही थी पहले से बट वी लर्न फ्रॉम सम अदर ब्रांड कि हाँ ये अच्छा कर रहा है do something like that, not the similar but somewhat similar to that. The content, very important thing, whether it be for your daily life or या कुछ भी है business है, anything. Basic success at the end वही है कि आपको करना क्या है, इन सब का फायदा क्या है, end result क्या है, पैसा, की performance भी मिलेगा. कंटेंट पे पैसा लगाया, मार्केटिंग पे पैसा लगाया, डिजिटल मार्केटिंग पे पैसा लगाया, ब्लॉगर्स को दिए, पैम्पलेट छपवाए, बिलबोर्ड्स डाले, सब कुछ करा, 1 करोड़ खर्चा करा मैंने, एंड रिजल्ट क्या है, मैंने 1 करोड़ से मेरे को बेनिफिट हुआ, मैंने 2 करोड़ कमाया, 1.5 करोड़ कमाया या माइनस में गई, इफ आई वेंट इनटू माइनस लेसर देन द अमाउंट, काम नहीं कर रहा अगर वही बेनिफिट है जिस कॉन्टेंट में ब्रांड चल गया एनालाइजिंग मैट्रिक्स वेबसाइट ट्रैफिक पे अगर कोई ऑफर्स चल रहा है सपोज आईफोन का अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है कि वो ट्रैफिक कितना इंक्रीज हुआ तो देर ट्रैफिक है तो इंक्रीज हुआ एंड हाई लेवल इंगेजमेंट रेट कितना है वहाँ पर जाके लोगों ने फिर क्वेश्चन पूछा है कि क्या उसका फीचर्स है या समथिंग लाइक दैट एवरीबॉडी इज हैविंग इट डाउन कि सेम टाइम चार्जेस क्यों आ रहे हैं क्यों चेंजेस हो रहे हैं दैट्स आल्सो कन्वर्जन रेट कितना इतना कुछ करने के बाद इतना कंटेंट बनाने के बाद इतना एडवर्टाइजमेंट करने के बाद हर चीज़ पर डाले वेबसाइट पर डालने के बाद ब्लॉगर्स को पैसा देने के बाद आफ्टर डूइंग एवरीथिंग व्हाट केम इनटू माय हैंड डिड आई गेन डिड आई हैव प्रॉफिट इफ योर एंड रिजल्ट इज प्रॉफिट your content has grown. So content is चाहे वो words में हो, sentence में हो, lines में हो, paragraphs में हो. At the end of the day is conversion, पैसा, profit, कैसे करना है.
कॉन्टेक्स्ट कैसे समझ आ गया उसको समझ सो देयर इज सिंपल यू ऑल कैन आल्सो डू एनीथिंग यू वांट टू डू पहले वेबसाइट बनाओ डिस्कस करो मार्केट मैपिंग एंड जो भी है अंडरस्टैंड द मार्केट भी किससे कंपेयर करना है कैसा बनना है ब्लॉगर इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर योर कॉन्टेंट राइटर चेक एनी ऑफ द ब्लॉगर जो आपको करना है कोई भी तैयार है इंस्टाग्राम पेज लुक एवरीवेयर एनी क्वेश्चन एनीथिंग You can ask outside this also. All questions are coming. Other questions? Can you share our audience with your experience? Your experience about your advice for us. So you are all MBA first year students, not first semester. Have you all done BBA, BCom, anything else? Mostly BBA or BCom or something like BSUs. I know first what I did. Same as pass out from Zambia gets to my 10th and 12th, which was an ISC board, which is considered as one of the toughest board members. In 2014, so my family is back in North Africa. My father is from Cyprus, my mother is a homemaker. We had to move 4 siblings. Who are married. One, he is in his pass out. He is working, he is a manager with Naukri.com and he is also into HR. He is I did my BBA from Technia. So that is also close to my heart. I did my BBA from here. Then I did my MBA from GIFS. So GIFS ke baare mein mujhe bahut pehle se pata. GIFS was not People might be fighting, this is a true fact or funny fact. For IIMs you fight na, ki yahan jana hai maa. I was struggling and fighting for gifts. Bahut hi funny fact hai ye. I was getting other colleges, I was like mujhe gifts hi chahiye. Because I was aware ki yahan pe cheeze kya chal rahi hai. Might be in a strict college, no doubt. Theek hai? स्ट्रिक्टनेस से चीज़ें आपकी नहीं बदलती ना यू गेट इन टू मोर ऑर्गेनाइज रूल्स एंड रेगुलेशन से आप ऑर्गेनाइज होते हो अगर आप कोई पैटर्न फॉलो करते हो ना रूल्स का यू माइट बी आई हैव 12 बजे मैं वापस से निकलूँ बिकॉज आई स्विच्ड टू रूम जो वो पंगा नहीं होता था पेरेंट्स को पता लगा उसको से एरियन की हाँ मैं जा रहा हूँ समबडी विल ड्रॉप मी डाउन पास में पीजी था सो द टाइम इनिशियल स्टेज में जब आप स्ट्रगल करते हो ना चीज़ें देन इज द फ्रस्ट्रेशन लेवल कम्स मेरी टाइम इट केम कि मैं ये जॉब छोड़ देती हूँ एंड डू समथिंग एल्स बट बिकॉज वो प्रोफाइल मुझे समझ में आया दैट वॉज इंटरेस्टिंग फॉर मी आई माइसेल्फ शिफ्टेड फ्रॉम कॉर्पोरेट टू रिटेल एंड देन अगेन आई गॉट रिटेल फुल ऑफ रिटेल एंड कॉर्पोरेट दोनों चल रही है सो देन आफ्टर एन ईयर आई गॉट अ टीम ऑफ 5 पीपल देयर ऑलरेडी सो आई वाज हैंडलिंग अ टीम ऑफ 5 पीपल वी वर आल्सो वेरी यंग दैट टाइम So handling a team is a very different वो आपको एक knowledge बहुत सारी चीज़ें आप कुछ सीखते हो तो सेम एज के लोग को भी हैंडल करना है दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल सेम एज क्योंकि वो ईगो के मोर आर इफ यू नो हाउ टू हैंडल दम हाउ टू ट्रीट बी अ ह्यूमन बींग रूडनेस दिखाने की जरूरत नहीं है रूडनेस लेके कोई कहीं नहीं जाता बी हम्बल बी काम कुछ भी काम करवाना ना प्यार से करवाओ गुस्सा झगड़ा करके खुश नहीं होना इफ यू नो हाउ टू टॉक एंड ट्रीट पीपल एवरीबडी एनी टाइम कि आपके एग्जाम्पल्स होंगे आपके खुद के फ्रेंड सर्कल्स देन आई वर्क देयर फॉर टू एंड हाफ ईयर आई गॉट अ पोजीशन देयर बट कंसल्टेंसी का ना डेजिग्नेशन फैंसी डेजिग्नेशन बहुत अलग होता है I was an associate consultant, skipped 2-3 labels and became a manager. जो मेरे को पच नहीं रहा था मतलब within 2.5 years you are becoming a manager. जो मुझे पता था but I was knowing कि बाहर जाके इस consultancy से बाहर जाके brand में ये manager post मेरे लिए useful है. Again I just started either with the executive or senior executive. और वही reality है. Consultancy में जो fancy titles होते हैं when you क्योंकि आपकी कंपनी छोटी
फैकल्टी होती है, लोग 40-50 होते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी टू गेट टाइटल. व्हेन यू आर वर्किंग इन अ टीम जहाँ पे हजारों का चीजें चल रही है, लोग हैं, व्हेन यू कंप्यूट मतलब इफ यू टेक लेंसकार्ड इन जे जे एंडलेस एचआर सर्वे हाउ यू आर मेकिंग योर डे, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, दैट मैटर्स, दैट इज हाउ यू नीड टू बी. उसके लिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे. इट इज नॉट अबाउट 9 to 5 का जॉब, मैं बार बार बोलूँ. एंड राइट नाउ आई एम वेरी रिलैक्सिंग जॉब, लिटरली होता है. आई हैव 2-3 days का वर्क फ्रॉम होम व्हेनेवर, सो माय फादर इज नॉट अवेलेबल, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. सो आई गो टू मुंबई, मैं मुंबई के स्कूल विजिट करती हूँ. मुंबई में 2-3 महीने रहती हूँ. आई विजिट बैंगलोर एंड अदर पार्ट ऑफ द सिटी बिकॉज स्टोर्स आर देयर, आई नीड टू मीट एम्प्लॉयज. व्हाई आई शिफ्टेड टू रिटेल, इट्स अ स्मॉल स्टोरी. जो कॉर्पोरेट के लोग होते हैं ना, दे आर लाइक योर डेजिग्नेशन वाइज बहुत हायर होते हैं, ठीक है. दे विल बी थैंकफुल, दे माइट नॉट बी थैंकफुल टू यू, बट दिस रिटेल पीपल, जब मैं इसको एक इंसान को भी प्लेस करती हूँ ना इन माई स्टोर, द हैप्पीनेस दैट आई गेट फ्रॉम दिस ना, वो मुझे कॉर्पोरेट वाले से नहीं मिलता. उनको तो जॉब मिली जाएगी, इनको प्लेस करवाना इज वेरी डिफिकल्ट because of their deep communication skills, presentations, बहुत सारी चीज़ें हैं. This people will always remember you. They might forget, this people will always remember. वो चीज़ें मैंने अपनी लाइन चेंज करके देन अगेन आई गॉट अ टॉपिक बिकॉज आई वॉज हाँ अगेन आफ्टर कंसल्टेंसी आई जॉइन स्क्वायर यार्ड्स बिकॉज आई वॉज हैविंग अ बॉन्ड विथ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट आई कैन नॉट गो टू एनी ऑफ द रिटेल ब्रांड्स फॉर 1 year. ऑल्दो दिस मतलब दिस इज अ नॉलेज दैट आई एम गिविंग यू, अगर कभी कोई कंपनी ऐसा बैंक आपको साइन करवाता है, दैट इज रियल, दैट विल नॉट बी यूज्ड. दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर ऑफ मैटरी लाइसेंस विद माय फादर कि हाँ आप ऐसा कुछ है, आप लोग सी रेट में नहीं सी करके ऐसा कुछ होता है, नोबडी कैन मेक यू साइन. So again I chose square yards. This are into, I think it might be a bit of square yards. They're into real estate. I joined them as an HR manager. I was having a team of 17 people. Was what not satisfied with my job. क्योंकि मैं retail से कर चुकी हूँ ना, और retail में जो मुझे मजा था, वो happiness थी, वो मुझे वहाँ नहीं मिल रहा. I was not satisfied. Although I was बहुत आराम से मैं वहाँ पे अपने 10 साल गुजार सकती थी, कुछ नहीं था वहाँ पर. Just making reports. चार बार टीम को डांट दो, नहीं चलता था. दिस इज व्हाट द लॉजिक वाज, आवर सिस्टम ऑफ वर्किंग वाज वेरी डिफरेंट एंड वहाँ पे ऐसे ही चलता था. चार बार मीटिंग हो जाती थी, टीम को चार बार डांट दो, टारगेट टीम नहीं बुलाओ. दैट कंपनी वाज ट्रीटिंग एन एचआर एज अ सेल्स पर्सन. नहीं, एवरीथिंग इज सेल्स, आई एम नॉट डिक्लाइन. एचआर भी सेल्स ही है, वो सेल्स ही कर रहे हैं बट डिफरेंट मैनर्स में. मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, सब सेल्स है. एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज सेल्स. सबका मोटिव एक ही है, प्रॉफिट, सेल्स, बेचना है, एंड रिजल्ट वही हो. इट डिड नॉट फॉल इनटू माय एथिक्स. आई लेफ्ट विद इन 5 मंथ्स ऑन. देन दैट केम इनटू माय माइंड, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी भी अपनी देखनी पड़ती है. सो वी विद द नेचर वी कैलकुलेट जॉब इंडेक्स एंड जॉब रोटेशंस. आपका जॉब इंडेक्स हमेशा 2.0 से ज़्यादा होना चाहिए. अब ऐसा नहीं है कि 4 साल के करियर में मैं 6 बार जॉब ही चेंज करूँ. कम से कम एक कंपनी में 3 साल, 2.5 साल, 2 साल, कम से कम 3 साल. इनिशियली आप 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, जैसे जैसे आप डेजिग्नेशन में जाते जाओगे ना, खुद स्टेबल हो जाओगे. बट इनिशियली बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने डेजिग्नेशन पे, अपने कंपनी पे. आई सीन पीपल, माई ओन बैचमेट्स, इस 5 साल में उन्होंने कम से कम 5-7 बार जॉब चेंज की है. नो पॉइंट है ना, वो 1,000-2,000 के लिए कोई मैटर ही नहीं करता जॉब चेंज करना. टिल देन यू गेटिंग अ 25-30% का हाइक. और भी पैसा हमेशा मतलब लेके आना बीच में. सपोज यहाँ से प्लेस स्टे देयर फॉर, अगर आपको चेंज करना है, सिस्टम आपको वहाँ का समझ नहीं आया, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे यहाँ काम ही नहीं करना, इनिशियली चेंज करो. सिट डाउन, रिलैक्स, थिंक कि क्या करना है. बीच में वो 2-6 महीने, 1.5 साल कोई मतलब नहीं करता. इनिशियली आप सोच सकते हो ना वो करना क्या है, फिर उस फील्ड में जाके 2-2.5 साल वहाँ
ये लेवल होगा, इसके बाद ये लेवल होगा, उसके बाद आपको ये करना है कि इंटरनल असेसमेंट भी होती है कंपनीज में टू वांटेड टू गो टू डिफरेंट सेगमेंट्स टू कंप्लीट योर सेगमेंट. बट इट्स बेटर ऑलवेज टू अंडरस्टैंड बिफोर ऑनवर्ड्स कि करना क्या है. अभी सबसे पहले आप लोग का कंसर्न होगा मेजर माइनर का, क्या लेना है क्या नहीं लेना. सो अंडरस्टैंड व्हाट आर यू गुड एट. आर यू अ पीपल पर्सन गोइंग टू एचआर. आर यू समबडी समबडी हु लाइक्स डिजिटल मार्केटिंग. आप उस पर डिजिटल के कॉन्सेप्ट पे अच्छे हो, गोइंग टू डिजिटल मार्केटिंग, गोइंग टू मार्केटिंग. मार्केटिंग ऑल्सो इज अ वास्ट करियर है. मार्केटिंग में आपको डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ है, कंटेंट राइटिंग है, पीएम है, बहुत सारी चीज़ें उस सेगमेंट्स में है. रिटेल का सेगमेंट है, एफएमसीजी का है, एफएमसीजी का. तो मेक एक चीज़ क्लियर करो कि पहले जाना है मार्केटिंग एचआर फ्रेंड्स का हाथ, उसके बाद आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है. यू विल बी क्लियर अबाउट दिस कि हाँ आपको फिर क्लियर करना है. Next 12 years, then we now, yes, I'm going to complete with John Jacobs, one of my best company and best experience till now. It is very flexible, and being as an HR, we give a lot of flexibility also. In terms of, if you count hours of working, we don't have 9 hours of working, it is 6 hours of working. 3 days we have work from home to this office, that also it is flexible. Till then you are doing your work, till your work has been completed, everything is fine in this company. Nobody is going to do it. And till your work is done, till you are performing, nobody is going to stop you in your increment in terms of salary, in your designations. I got promoted 2 times here. So I got 2 times appraisal and my designation. Something is more going to be, something is planning to happen because new brand is coming, so might be there is a shipment of HR and I am going to HR to be in the brand. Sometimes I also get frustrated because my car is vast here. I get 24/7 ka call because the retail 24/7 is open. For me, Saturday and Sunday, I have an official off, but I take up my calls, I open my laptops on Saturday and Sunday also because mujhe pata hai main employee ko call. This salary should come on time. But punctuation नहीं होना चाहिए. कुछ स्टोर पर कुछ मसल हो गया है तो यू नीड टू सॉल्व दैट आउट. यू नीड देयर. सो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल. जॉब में जाके आप ये नहीं बोल सकते कि आई हैव सीन लॉट ऑफ रील्स एंड यू पीपल विल टॉक ऑन रील एंड फ्रॉम योर जनरेशन ऑनली. सो आपकी मेंटेलिटी तो मुझे पूरी समझ आ रही है कि 9 to 5 का जॉब है तो 9 to 5 ही करूँगा, उसके बाद में नहीं करूँगा. इफ यू वॉन्टेड टू ग्रो ना, अगर कुछ चीज़ आपको मिल रही है, यू विल अंडरस्टैंड योर मैनेजर सपोर्टिव और नॉट. यू सी यू इज सब माई सी यू वॉज फाइटिंग फॉर मी, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता. सो बेसिकली वी हैव एन अप्रेजल का कॉन्सेप्ट. अप्रेजल में देयर आर डिफरेंट लेवल्स व्हेन यू फिल आउट द फॉर्म एंड एवरीथिंग. सो लास्ट पॉइंट इज डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूटर. आई गेव माईसेल्फ दैट रेटिंग. माई मैनेजर, बिकॉज देयर आर 2-3 पीपल इन द सिस्टम, सो सी ब्रॉट मी डाउन 1 लेवल डाउन टू जस्ट बीइंग अ बैलेंस कि वो सब में इक्वालिटी रहे. माई सी ई ओ चेंज दैट से सी डजेंट डिजर्व दैट सी बॉडी टू द डिस्ट्रीब्यूशन. सो आपका काम सिर्फ आपका मैनेजर ही देता है, आपके ऊपर वाले बंदे भी देते हैं. आई नो मैनेजर्स का बहुत सारा फंड का चीज़ें क्लियर बहुत डिफरेंट होता है, बट इट्स फाइन. लर्न, आस्क कि वो रहा कि कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, इट्स फाइन. ठीक है, कॉर्पोरेट लाइफ इज गुड, इट इज़ नॉट बैड. I have heard corporate life is very bad. You will learn, you will experience corporate life. अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा. But it's fine. You should know how to handle things. अभी आपको वो भी पता क्या होना चाहिए. What motive do you have in mind? Then I need to know कि exact तुमने क्या किया, उसके लिए क्या किया. मैं first year student हूँ तो बहुत ही new है. कितने दिन हुए हैं? 3 months. हाँ, तो बहुत ही new है. Did you have fresher party? Yeah. Exactly. What do you people want to do?
HR, marketing, business, for example, sorry. You want to get into IT? Tech. So you're more interested for software, so? Are you a medium student? No. What is your graduate? बहुत कम मिल इंडिया बिकॉज दे आर गेटिंग गुड पैकेजेस उसके स्किल्स और आपके स्किल्स में जमीन आसमान का हाउ मच यू लर्न दिस स्किल माइट बी देयर मे बी सो मच ऑफ सर्टिफिकेशन कोर्सेस बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू वर्क फॉर सो आई थिंक इट इज वेरी स्टार्टिंग फॉर यू रीथिंक एंड सी कि क्या करना है बट दैट आइडिया बहुत रेयर है कि वो काम करें बिकॉज वेर आर हायरिंग फॉर अ बी टेक सपोज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वट एवर आई एम हायरिंग फॉर quality check होते हैं quality check engineers I always see इसके education क्या है यहाँ पे तो education matter करता ही करता है कि वो B.Tech है कहाँ से वो matter करता है anybody else any queries if you wish to all of you so should I sum up the session So before proposing a formal vote of thanks, I would definitely like to thank you all for being here to, and of course we all are privileged, especially you guys, as you had the opportunity to meet your alumni and as I could see to Brinda, aapne jab suna hai, that means she possesses something. Otherwise, aapne mujhe se zyada kisi ko class khane mein dete. But it's a fact. It's a fact. I'm happy about it. Right? No, I think your perception is basically now. This time the group which has come and very impressed with them. They have a lot of patience to listen. Last third sem is also very nice. Students are always. But it's always. The point is ki ek concentration level ka limit 30 minutes ka hota hai. उसके बाद डाइवर्जन शुरू हो जाता है माय बैच वाज द सेम डाइवर्जन सी इट्स नॉट अबाउट सेइंग दिस थिंग किसी के साथ भी 30 मिनट से ज्यादा यू कांट फोकस अंटिल अनलेस यू आर अल्बर्ट आइंस्टीन दिस इज अ प्रूवन फैक्ट सो आफ्टर 30 मिनट्स यू हैव टू गेट इनटू समथिंग डिफरेंट देन अगेन यू कैन कम बैक टू दैट सेम पॉइंट आई डिड नॉट रियलाइज सो इट वाज अ वंडरफुल सेशन एंड आई होप यू ऑल आर बेनिफिटेड There are many more session planned, which I share the planner with you. We have ties with IBM. Even they will be coming up to you in these SBT sessions for your training. So this is basically मैं अपना काम आसान कर रही हूँ. जब आप third semester में आएं, तो मेरी मेहनत थोड़ी कम हो जाए आपको place करने में. तो इसलिए इतनी effort डाली जा रही है. Of course, thanks to your head of the department. He is always supportive in all sort of new ventures which we It is very difficult. बहुत गाली आती हैं. तब हमें एक मंडे का दिन खाली करवाया. आपके एकेडमिक सेशन जब यार इंट्रोड्यूस दिस थिंग दिस ईयर दैट मंडे इज फ्री. इट्स अ कॉर्पोरेट डे फॉर एवरीए. हाँ, इट इज अ कॉर्पोरेट डे फॉर देम एंड इट्स ओनली दे विल बी गेटिंग नॉलेज ट्रेनिंग ऑल फॉर कॉर्पोरेट्स एंड इवन इफ द टीचर विल टेक अ सेशन दे विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर जॉब एंड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप So, I'm very much thankful to you, Shreya, for coming and giving your time. I would now request Ram sir to please present a memento at the top of the campus. If I want to reply, my video was made up.
connections has it ended? How many connections? 16. Make connections. Connect with people. HR से connect करो. किसी भी business head से. जहाँ से आपको लग रहा है आपको job मिल सकता है उन लोगों से. And from LinkedIn you get a good job. No doubt. Naukri बहुत outdated हो गया. I don't use Naukri. Literally मैं मैं Naukri use नहीं करती. बहुत outdated हो गया. The same profile, the same thing it is looking to get. वो तो उसका वैसा चल रहा है. Reference and everything. All the very best. Thank you so much. Thank you. Hopefully you all might be campus placement. Thank you. Thank you.